हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IT संसार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरा दिन था। उनकी पेपर लीक होने के कारण यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो गई। जी हाँ, कल यूपी टेट का पेपर जो था वो लीक हो गया, जिसके कारण प्रदेश सरकार ने, बेसिक शिक्षा विभाग ने, इस यूपी टेट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेपर लीक कराने वालों के बारे में क्या कहा है और अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। तो हम विभिन्न पॉइंट में एक तो पॉइंट करके ऐसे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पहले पॉइंट पर कहा कि पेपर लीक कराने वालों की संपत्ति भी जब्त कराई जाएगी, दोषियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करने की प्रक्रिया चालू है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान बहन भाइयों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दूसरी बात जो कही, उन्होंने कहा कि आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार सुचितापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। CM योगी ने कहा कि उन्होंने तीसरी जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर ही परीक्षा पुनः आयोजित कराई जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात जो दोबारा फॉर्म डाला जाएगा या अप्लाई किया जाएगा उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वालों को लिए, अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी है, इसके दोषियों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और एक महीने के भीतर ही भीतर यह परीक्षा पुनः आयोजित कराई जाएगी, वो भी पूरे पारदर्शी तरीके से। तो हमने बात की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट के परीक्षा रद्द होने के बाद क्या क्या बातें कहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद